नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं औरे राज के पास एक गांव में। इस गांव का नाम हम जानते हैं, लेकिन यहां एक शक्तिपीठ है और यह शक्तिपीठ काफ़ी पुराना है। बताया जाता है कि सोमेश्वरनाथ मंदिर के समय में ही इस शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई थी। और आप सामने यहां देख रहे हैं कि यहां जो है एक मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी आकर्षक है यह मूर्ति देखने में। लेकिन इसके पहले हम यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हुए और इस मंदिर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? पंडित सुरेंद्र मिश्रा, यहाँ का प्रधान पुजारी मैं हूँ। जलपाधाम स्थान है। हमारे गुरुजी बताते थे पहले, गुजर चुके हैं, कि बाबा सोमेश्वरनाथ और भैरवनाथ जलपा भवानी त्रिकोण स्थान पर हुआ है। राज में बहुत पुराना सिद्ध पीठ है, बाबा सोमेश्वरनाथ के समय का है। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, जो जानते हैं सो। विशेष इसका प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन स्थान बहुत सनातनी है, पुराना है। अच्छा, ये जो शक्तिपीठ के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो जो प्रमुख शक्तिपीठ होते हैं, जैसे 51 है, 108 शक्तिपीठ भी आता है, तो उसमें इनका नाम कहीं हमें उसमें देखने में नहीं है, उसमें तो इसके बारे में क्या? उसमें नहीं है, ये अलग से। ये बहुत ऐसे जगह है जहाँ कुल देवी में हैं वो। अच्छा, जैसे नेपाल के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा कुल देवी हैं जलपा भवानी। और चकिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से भी कुछ लोग भक्त आए थे यहाँ पर, वो भी लोग बोलते थे कि हमारे कुल देवी जलपा भवानी हैं। यहाँ सिवान, गोपालगंज, नरगटियागंज बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, बताते हैं कि हमारे कुल देवी हैं। अच्छा, अरेराज मंदिर के बारे में आप बता रहे हैं कि अरेराज मंदिर और इसका और एक और कौन सा मंदिर? अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर और उससे दक्षिण 1 किलोमीटर दूरी पर भैरवनाथ मंदिर और 1 किलोमीटर दूरी पर ये जलपा भवानी का मंदिर है। त्रिकोण स्थान है ये, त्रिकोणात्मक है ये जो जगह है। अरेराज शिव मंदिर, सोमेश्वरनाथ मंदिर और उसके बाद में भैरव बाबा मंदिर 1 किलोमीटर दक्षिण हो गए और उसके बाद जो है ये शक्तिपीठ। और ये गांव कौन सा होता है? ये तो स्थान है अरेराज में, एक बगल में हरदिया गांव है। अच्छा, यहाँ से हरदिया गांव शुरू होता है, अरेराज में ही ये आता है। अच्छा, यहाँ जो मूर्ति है, हम लोग थोड़ा सामने जो कुछ भी है आप इसको पहले दिखा दो सामने। इधर जो है यहाँ भगवान शिव का लिंग है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन ये लिंग? नीम, नीम। अच्छा, ये नीम का पेड़ जो है। हाँ हाँ, बहुत पुराना है भी है। और यहाँ पर बगलामुखी का स्थापना हमारे गुरु जी किए थे। क्या है बगलामुखी का? क्या रहा बगलामुखी भगवती? अच्छा, आकर के यहाँ बगलामुखी भगवती। ये इसमें जो है पिंडी तीनों पिंडी है ना, ये तीनों जो शक्ति स्वरूप है। ये तीनों पिंडी जो है ये शक्ति की स्वरूप है। बगलामुखी की ये जलपा भवानी मूर्ति है और ये जलपा भवानी की। आप आ जाइए, यहाँ हम देखते हैं जो मंदिर है यह काफ़ी आकर्षक है और यह बाद में बना लगता है। लेकिन ये जो शक्तिपीठ है इसके बारे में बताया जाता है कि जब अरेराज मंदिर और अरेराज मंदिर से सटे दक्षिण 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा और ये शक्तिपीठ की स्थापना एक साथ ही की गई थी। तो यहाँ जो शक्तिपीठ का जो ये जो मूर्ति है ये कब स्थापित किया गया? बाद में इसको स्थापित किया गया है, पहले पिंडी था, मिट्टी का पिंडी था। पहले यहाँ मिट्टी का पिंडी था, उन्हीं की पूजा की जाती, उसकी पूजा के लिए दूर दूर से लोग आते थे। हर जगह से लोग आते थे, यानी जो आस्था और विश्वास का जो ये सिलसिला है यह हजारों वर्ष पुराना है। और अरेराज मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने भी सीता के साथ आप थोड़ा अरेराज मंदिर के बारे में भी पूरा विस्तार से बताएं, क्योंकि ये तीनों मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं, तीनों जगह जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ स्थापना की गई है इनकी। और अरेराज मंदिर सोमेश्वरनाथ के बारे में क्या बता रहे हैं आप?
हम जो मैंने गुरु जी बताए थे, हम उतना जानते हैं, वो बता रहे हैं कि अरणराज नाम था, यहाँ चारों तरफ जंगल था। जंगल में आकर के चंद्रमा जो है आकर स्थापित किए थे बाबा सोमेश्वरनाथ का, उसी समय का ये स्थान है, उसी समय का भैरव स्थान है। अच्छा, राजा एक सोमदेव का भी नाम आता है, एक यहाँ कोई राजा था जो राज किए हुए हैं जगह से, तो उनके द्वारा भी स्थापित हो सकती है वो, और उसी समय ये भी स्थापित है, यानी एक ही साथ ये सब जो है इन सब मंदिरों का स्थापना हुआ। और इसके बारे में जो महाभारत है, महाभारत में भी बताया जाता है, महाभारत के समय युधिष्ठिर के बारे में भी बताया जाता है कि जब युधिष्ठिर निर्धन हो गए थे, उन्हें अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा था, तो उसके बाद उन्हें भी भगवान शिव का आशीर्वाद लेना पड़ा था, इस तरह की बातें आती है। जो धार्मिक मान्यता है उसके आधार पर मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, और इतिहास काफ़ी पुराना है, ये हजारों वर्ष पुराना। जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत काल की बात करते हैं, तो द्वापर युग का बात आता है जो 5000 वर्ष पुराना है, और रामायण जो है उससे पहले का भी वो इतिहास है। और इस पूरे जगह को जो है ये कब से डेवलप किया गया, कब से विकसित किया गया है? इस जगह का विकसित हुआ है मैंने करीब 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष पहले से आज तो ज़्यादा हो रहा है आजकल में। अब धीरे धीरे लोग भी विकसित होते जा रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे मंदिर का भी होना जो है ये लाजमी है। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा प्रदीप कुमार दुबे नाम पड़ता है। आप कहाँ से हैं? जी, गोविंदापुर वृत्ति टोला से। अच्छा, ये पास का ही गाँव जी। कितना किलोमीटर पड़ेगा? बस यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप क्या? जी, माँ इसका जलपा माँ नाम पड़ता है माँ का, और सबसे कुछ भी मन्नत आकर यहाँ मांग देते हैं वो परिपूर्ण हो जाता है। कोई भी भक्त आवे अगर जो बोल दे हे माँ हमारा ये मनकामना पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी माँ मनकामना पूरा कर देती है। और ये मंदिर जो बना है जिस जगह पे, यहाँ का जो वातावरण भी जो है, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ वातावरण, यहाँ जो देखें नीम का जो पेड़ है, यह भी काफ़ी पुराना लगता है, काफ़ी मोटा है, और नीम का पेड़ जो है इतना मोटा, और इसे भी बचाया गया है। मंदिर की जो स्थापना हुई है, इसका जो भवन बना है, इसमें इसे बचाने की भी कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहाँ जो आप सामने में देखें जो पेड़ है, और भी पेड़ है, सारे सभी पुराने पेड़ हैं, और इस तरह से यह जगह पूरे प्रकृति के बीच में है, लेकिन साथ ही साथ नए जमाने के हिसाब से इसका स्वरूप भी आप देखेंगे। क्या है? तीन पेड़। अच्छा, ये तीनों पेड़ों की भी विशेषता है। बरगज उधर है। हाँ हाँ, बरगज, पाकड़, नीम, पीपल। हाँ हाँ, पीपल उधर है। हाँ हाँ, इनको धार्मिक गुरु जी पहले से बहुत जोड़े थे। बरगज, पाकड़, नीम, पीपल, सब लोग यहाँ रक्षा करते हैं भगवती। तो जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, अगर हम सनातन धर्म के आधार पर बात करें, तो उनमें पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी जो भी जीव हैं सबको महत्व दिया गया है, सबका अपना अपना महत्व है, और सबको समान महत्व दिया गया है, इस तरह की बातें आती हैं। और वो जो मान्यता है इस जगह को देखते हुए, यहाँ के वातावरण को देखते हुए, ऐसा दिखता है कि आज भी स्थापित है, और वह सब कुछ जो है प्रचलन में है। और हमारे साथ इस मंदिर के प्रधान पुजारी थे, आप देखते रहिए।